इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पावर पॉइंट की मदद से एजुकेशनल वीडियोस किस तरह बना सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो से मुराद है एक ऐसी वीडियो जिसमें आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, और हम इस वीडियो को MP4 या वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जिसको YouTube पे अपलोड किया जा सकता है या किसी और तरीके से लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है। एक अच्छी एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ टीचिंग टूल्स की ज़रूरत होती है। मसलन जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम टीचर को देख सकते हैं, टीचर की आवाज़ सुन सकते हैं। इसके अलावा टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर हमें फिगर्स की मदद से चीज़ें समझा सकते हैं। इसके अलावा टीचर के पास प्रोजेक्टर होता है जिसके ऊपर वो वीडियोस चला सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स दिखा सकते हैं। इसके अलावा टीचर प्रोजेक्टर को ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोजेक्ट करके भी कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो उसके ऊपर एनोटेट करके हमें उसको समझने में मदद दे सकते हैं। ये सब टीचिंग टूल्स हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पावर पॉइंट की मदद से ये टीचिंग टूल्स किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले अपनी आवाज़ और वीडियो किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जो टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर चीज़ें फिगर्स बना रहे होते हैं उसको जब हम डिजिटली करते हैं तो उसको हम एनोटेशन कहते हैं, एनोटेशन या डूडलिंग। ये हम कैसे कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तीसरी चीज़, जो वीडियोस या फिगर्स, कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, वो हम किस तरह पावर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको हम मीडिया कह देते हैं जिसके अंदर वीडियो, फिगर्स और ऑडियो शामिल है। चौथी चीज़ हम देखेंगे कि हम फाइनली जब कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको हमें एडिट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो हम वीडियो ये सब कुछ रिकॉर्ड करने के बाद हम एडिटिंग किस तरह कर सकते हैं। पावर पॉइंट इस्तेमाल होती है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए और इसके अंदर स्लाइड्स होती हैं। हम एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए एक स्लाइड के ऊपर कोई एक टॉपिक जो हम समझाना चाहते हैं वो टॉपिक हम कवर करेंगे। किस तरह कि हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे जो एक्सप्लेन करी होगी टॉपिक साथ। अगर आप चाहें ऑप्शनली तो आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकती है एक कोने में जो आपके लैपटॉप का कैमरा कैप्चर कर रहा है। साथ साथ आप जो कुछ उस टॉपिक को समझाने के लिए एनोटेशन कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। इस तरह आपकी हर हर स्लाइड एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी। इस वाली स्लाइड के ऊपर समझे मैंने टॉपिक 1 एक्सप्लेन किया, अगली स्लाइड पे मैं टॉपिक 2 एक्सप्लेन करती हूँ, टॉपिक या सब सब टॉपिक जो भी। इस तरह मेरी पूरी प्रेजेंटेशन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स से मिलके बनेगी और फिर इस पूरी प्रेजेंटेशन को की मदद से मैं एक पूरा चैप्टर या एक सब्जेक्ट मैटर कवर कर सकती हूँ और फाइनल प्रेजेंटेशन को मैं MP4 वीडियो में कन्वर्ट कर सकती हूँ। एनोटेशंस करने के लिए आपको एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत होगी जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। ये एक माउस की तरह की डिवाइस है। जिस तरह एक माउस की मदद से आप MS पेंट के अंदर ड्राइंग्स बना सकते हैं, इसी तरह आप माउस की जगह ये बोर्ड कनेक्ट करें और जो कुछ आप इस पेन से इस बोर्ड के ऊपर लिखेंगे वो सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि माउस के केस में आपका इतना कंट्रोल नहीं होता अपने हाथ के ऊपर और आप माउस की मदद से लिख नहीं सकते, ABCD नहीं लिख सकते। लेकिन इस केस में चूंकि ये एक पेन की फॉर्म में है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी ऑडियो और उसके साथ एनोटेशंस किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं एक स्लाइड के ऊपर। ये हमारे सामने एक पावर पॉइंट खुली हुई है, ये प्रेजेंटेशन है जो इस वक्त मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। हम देखेंगे कि हम किसी एक स्लाइड के ऊपर किस तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और ऊपर से आप स्लाइड शो वाले टैब में जाएं और उसके बाद आप रिकॉर्ड स्लाइड शो वाले बटन को दबाएं तो आपके सामने ये रिकॉर्डिंग पैनल खुल जाएगा। इसके कोने में 3 बटन हैं, रिकॉर्ड, स्टॉप और रिप्ले, जिसको अभी हम देखेंगे। नोट्स हैं, आपको पता है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर आप नोट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लाइड्स के नीचे। अगर आप चाहते हैं कि आप रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ चीज़ें आपके जहन में रहें तो आप उनको नोट्स में डाल सकते हैं और यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। इनको सिर्फ आप देख सकते हैं, लोगों को नज़र नहीं आएंगी। इसके अलावा बैक और फॉरवर्ड बटन है। जब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते तो आप बैक और फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं तो आप सिर्फ अगले आगे की डायरेक्शन में जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। और नीचे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स हैं जो मेरे पेन के डिफरेंट कलर्स मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। अरेज़र है और ये टाइम लिखा हुआ है, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम देखते हैं रिकॉर्ड बटन से क्या होता है।
और उससे पहले ये माइक है और ये वीडियो कैमरा है, माइक को मैंने इनेबल किया हुआ, इसका मतलब है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं वीडियो को भी इनेबल कर दूंगी तो यहाँ पर कोने में मेरी वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ तो मुझे ये बटन दबाना है 3, 2, 1, इसके बाद जो मैं जो बोलूँगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस यहाँ पर, और नीचे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा। जो शुरू में टाइम है वो है कि इस स्लाइड के ऊपर अभी कितने सेकंड्स की रिकॉर्डिंग हुई है, और जो आगे का टाइम लिखा हुआ है वो है कि इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं उन सब का टाइम क्या है। अगर मैंने इस प्रेजेंटेशन को MP4 में कन्वर्ट करना है तो ये मुझे बता देगा कि उस MP4 कितने मिनट्स की होगी। और अब जो भी मेरा टॉपिक है इस स्लाइड के ऊपर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर फिगर्स बना सकती हूँ, कलर्स चेंज कर सकती हूँ, अरेज कर सकती हूँ, इस तरह मुख्तलिफ मैं एनोटेशंस कर सकती हूँ। अगर मैं वीडियो को पॉज करना चाहती हूँ, अब रिकॉर्ड का बटन पॉज में बदल गया, मैं इसको दबाऊंगी तो ये पॉज हो जाएगा। जो कुछ मैंने पहले से लिखा और रिकॉर्ड किया वो वहीं पर रहेगा, सिर्फ पॉज आ गया। इस पॉज के अंदर आपको कोई बात भूल गई है आप जाके बुक में से देख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर रिज्यूम करना चाहते हैं दोबारा से रिकॉर्ड का बटन दबाएं। मगर अगर आप स्टॉप का बटन दबा देते हैं, मैंने स्टॉप दबाया, स्टॉप के बाद अगर आप दोबारा रिकॉर्ड दबाएंगे तो पिछली पुरानी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी जो इस स्लाइड के ऊपर आपने की थी, और अब दोबारा से ये 0.42 की मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड दबाती हूँ, सारी एनोटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। अब दोबारा से मैं इस पूरी स्लाइड को नए सिरे से रिकॉर्ड करूँगी, इसलिए स्टॉप सिर्फ आप उस वक्त दबाएँ जब आपकी आप दोबारा से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। रीप्ले के बटन से आप रीप्ले करके सुन सकते हैं कि आपने क्या रिकॉर्डिंग की है। और इस पैनल में से निकलना चाहते हैं तो आप इस क्रॉस को करके निकल सकते हैं, इससे आपकी प्रेजेंटेशन नहीं क्लोज होगी, सिर्फ रिकॉर्डिंग पैनल क्लोज होगा। अब हम देखते हैं कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर मुख्तलिफ मीडिया किस तरह डाल सकते हैं, जैसे कि एक इमेज या फिर ऑडियो फाइल, और उससे मुतलिक फीचर्स जैसे ऑडियो को आप बैकग्राउंड में किस तरह चला सकते हैं, और इसी तरह वीडियो फाइल और उसके कुछ यूजेस। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे हम फिगर किस तरह ऐड करते हैं। पिक्चर्स में गए, मेरे पास एक फिगर है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, ये मैंने इंसर्ट की इस पेज के ऊपर। अब मैं इस फिगर के ऊपर एनोटेशंस कर सकती हूँ, ये फिगर मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। अब मैं जाऊँगी स्लाइड शो में जाके रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो मेरा जब रिकॉर्डिंग पैनल खुलेगा उसके ऊपर ये फिगर पहले से मौजूद है। अब मैं रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड वाला बटन दबा के इस फिगर के ऊपर समझा सकती हूँ लोगों को कि इसमें से ये सवाल क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, उसके लिए अगर मैं जो कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। फिर यहाँ से स्टॉप किया और वापस चले गए। अब हम ये देखते हैं कि हम ऑडियो और वीडियो क्लिप्स किस तरह डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम पूरी प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट को MP4 फॉर्मेट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मैं जो प्रेजेंटेशन बनाऊं उसके शुरू में ये तीन टाइटल स्लाइड्स प्ले हों जो मुझे कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, आउटलाइन और टाइटल देती हैं, और इनके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक प्ले हो रहा हो। इसके लिए मैं इन तीन स्लाइड्स को अलग से एक प्रेजेंटेशन में डालती हूँ, और फिर मैं इनके ऊपर एक ऑडियो फाइल डालूंगी जो वो म्यूज़िक होगा। इसके लिए मैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो या ऑडियो ऑन माय पीसी, मेरे पीसी के ऊपर पहले से वो फाइल मौजूद है, वो जिंगल है जो मैं चाहती हूँ शुरू में प्ले हो, इंसर्ट किया, ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब इसके ऑडियो टूल्स में आप देख सकते हैं दो ऑप्शन है, फॉर्मेट और प्लेबैक। प्लेबैक के अंदर स्टार्ट ऑन क्लिक या स्टार्ट ऑटोमेटिकली। ऑन क्लिक का मतलब है जब इस पर कोई क्लिक करे तब ये प्ले हो, और ऑटोमेटिकली का मतलब है कि जब ये स्लाइड आए तो खुद ब खुद ये प्ले होना शुरू हो जाए। तो हम ऑटोमेटिकली करते हैं क्योंकि हमने इस प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करना है, और जब वो वीडियो में कन्वर्ट होता है तो ऑटोमेटिकली का मतलब होगा कि वो वीडियो में खुद ब खुद चल पड़ेगा। और प्ले अक्रॉस स्लाइड्स का ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं ताकि वो सब स्लाइड्स के ऊपर बचता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहली स्लाइड के ऊपर इसको ऐड करें, अगर हम दूसरी स्लाइड के ऊपर ऐड करेंगे तो इससे अगली वाली स्लाइड्स के ऊपर वो प्ले होगा, पहली पर नहीं होगा। तो ये हम करते हैं पहली स्लाइड पर प्ले। अब तीन स्लाइड्स हैं, अब इस स्टेप में हम इस प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करने लगे हैं, और उसका तरीका ये है कि फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट में जाएं, क्रिएट अ वीडियो। अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा वीडियो की क्या सेटिंग्स होंगी, प्रेजेंटेशन क्वालिटी, उसकी रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी, इंटरनेट क्वालिटी, लो क्वालिटी, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कितना तेज़ है, क्योंकि अगर आप बहुत हाई क्वालिटी करेंगे तो वो उसमें देर लगेगी उसको कन्वर्ट होने में पावर पॉइंट से MP4 में। दूसरा ऑप्शन है
डोंट यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस, या फिर यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशन जो कि ग्रे आउट हुआ हुआ है. इसका मतलब यह है कि चूंकि मैंने इन स्लाइड्स के ऊपर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की खुद से, अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो फिर मैं ये दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसके टाइमिंग्स इस्तेमाल किए जाएँ. अब चूंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ वो जिंगल है, इसलिए मैं डोंट यूज़ रिकॉर्डिंग टाइम्स करूँगी. और जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एक डिफॉल्ट सेटिंग है सेकेंड स्पेंट ऑन ईच स्लाइड. चूंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हर स्लाइड के ऊपर कितना वक्त वो वीडियो रहे वो है 5 सेकंड कर सकते हैं, हम 3 सेकंड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं टोटल जो जिंगल है वो सिर्फ 8-9 सेकंड्स के लिए प्ले हो, और उसके बाद हम क्रिएट वीडियो कर देते हैं. अब आप देख सकते हैं कि वो ये पूछेगा वीडियो कहाँ पर सेव होगी, और वीडियो का फॉर्मेट वो हमें खुद बता रहा है कि MP4 वीडियो होगी. इसका मैं कोई नाम रख सकती हूँ, टाइटल स्लाइड है इसका, मैंने ये नाम रखा हुआ है, इसको मैंने सेव कर दिया उस फोल्डर में, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. चलें हम इसका नाम चेंज कर देते हैं या इसको रिप्लेस कर देते हैं. खैर ये आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार हमें बता रही है कि ये पावर पॉइंट MP4 में कन्वर्ट हो रही है. चूंकि ये छोटी सी है तो इसलिए ये जल्दी हो जाएगी, और फिर जब ये हो जाएगा तो मेरे इस फोल्डर के अंदर खुद ब खुद ये MP4 फाइल आ जाएगी. अब इस MP4 को मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसके शुरू में ये आए. उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी प्रेजेंटेशन के शुरू में एक एम्प्टी स्लाइड डालती हूँ, ये एम्प्टी स्लाइड है, और इसके ऊपर मैं वो वीडियो अब इंसर्ट करने लगी. अब मेरी तीसरी चीज़ हाउ टू, ये जो मेरी आउटलाइन में मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताया था हाउ टू ऐड मीडिया, अब मैं उसका फाइनल स्टेप करने लगी हूँ. मैंने आपको बताया फिगर का, मैंने आपको बताया ऑडियो का, अब मैं आपको वीडियो इंसर्ट करने के बारे में बताऊँगी. मैंने पहली टाइटल के ऊपर शुरू में वीडियो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में गए और जिस तरह पहले ऑडियो की थी अब वीडियो करेंगे, ऑनलाइन वीडियो या वीडियो ऑन माई PC. ऑन माई PC जो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी अभी बनाई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया. अब इसके भी वीडियो टूल्स के अंदर प्लेबैक ऑप्शंस में वो पूछेगा ऑन क्लिक या प्ले फुल स्क्रीन. ऑन क्लिक के बजाय ऑटोमेटिकली करना है, अगर आप ऑन क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो कन्वर्ट हो रही होगी तो वो प्ले नहीं होगी, प्ले फुल स्क्रीन ताकि आपकी वीडियो पूरी स्क्रीन के ऊपर आए. ये दो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट करने हैं और फिर आप कि वीडियो इंसर्ट हो गई. अब आप इसको देखने के लिए प्ले फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या आप फाइनली जब MP4 में कन्वर्ट करेंगे इस पूरी प्रेजेंटेशन को तब भी आप इसको देख सकते हैं. नॉर्मली MP4 में वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट किया जाता है, मगर इस केस में हम पावर पॉइंट के अंदर ही सारी एडिटिंग कर सकते हैं, और जब हमारा फाइनल वर्जन हमारी मर्जी के मुताबिक हो तब जाके हम उसको एक ही दफ़ा एंड पे MP4 में कन्वर्ट करते हैं. इसके अलावा अभी हम देखेंगे कि हम फुटर किस तरह ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स के अंदर, और लास्ट स्लाइड का अगर फॉर्मेट मुख्तलिफ है तो वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं. एडिटिंग करने के लिए हमारे पास पावर पॉइंट में बहुत कंट्रोल होता है, क्योंकि एक स्लाइड के ऊपर सब चीज़ें अलग अलग यूनिट्स हैं. मसलन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक अलग चीज़ है, मैं जब रिकॉर्ड कर भी चुकी हूँ तब भी मैं इस टेक्स्ट को पीछे से चेंज कर सकती हूँ अगर मैंने कोई गलत टेक्स्ट लिख दिया. इसके अलावा ये जो इसके ऊपर एनोटेशन हुई हुई है ये एक अलग यूनिट है, मैं ऑडियो और इस टेक्स्ट को छेड़े बगैर रिकॉर्डिंग के बाद एनोटेशन चेंज कर सकती हूँ. इस एनोटेशन को मैं मूव कर सकती हूँ, अगर कभी हम इंसान बहुत कोने में लिख देता है कोई चीज़ तो आप इसको इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, इस एनोटेशन को आप कॉपी कर सकते हैं. अगर आप कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनाते हैं, आपको दूसरी स्लाइड में दोबारा वो फिगर चाहिए उसके ऊपर कोई और पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इस एनोटेशन को कॉपी कर सकते हैं. इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, ये ऑडियो. ये ऑडियो अब अलग से एक चीज़ है, इसको मैं डिलीट करके री रिकॉर्ड कर सकती हूँ. मुझे पूरी वीडियो में से किसी एक स्लाइड की ऑडियो नहीं पसंद तो मैं सिर्फ उस स्लाइड की ऑडियो चेंज कर सकती हूँ. इसके अलावा स्लाइड्स के अंदर आप रीऑर्डर कर सकते हैं स्लाइड्स को, अगर मुझे लगे एक टॉपिक उसके बाद आना चाहिए था तो मैं इसको आराम से उठा के स्लाइड्स को आगे पीछे मूव कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ. एक प्रेजेंटेशन में से स्लाइड्स निकाल के दूसरी प्रेजेंटेशन में डाल सकती हूँ अगर एक की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है. तो इस तरह मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल है पावर पॉइंट में एडिटिंग करने के लिए. आखिर में हम देखेंगे कि हम फुटर किस तरह ऐड कर सकते हैं. इंसर्ट में जाएं और हेडर एंड फुटर में जाएं. यहाँ पर आप फुटर को इनेबल करके जो भी चीज़ आप फुटर में लिखी हुई देखना चाहते हैं, मसलन maktab.pk, आप यहाँ पर डाल के अप्लाई टू ऑल करते हैं, सब स्लाइड्स के ऊपर ये फुटर आ जाएगा. अब हम इस फुटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप व्यू में जाएं, स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर एक इंटरफेस है जो आपको पूरी प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग एक जगह पे करने
की इनेबल करता है। यहाँ पे जाके आप फुटर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप इसके कलर वगैरह और फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा नीचे लग रही है, आप इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर मूव कर सकते हैं। इसको आप जब क्लोज़ करेंगे तो आप देखेंगे सब स्लाइड्स के ऊपर वो नई फुटर, नई लोकेशन और फॉर्मेटिंग के साथ मौजूद होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन के आखिर में एक स्लाइड हो जो किसी और फॉर्मेट में है और उसके ऊपर आउटलाइन दी गई हो। वो ख़ास फॉर्मेट मैं ख़ुद भी बना सकती हूँ, मुझे इस केस में गिवन था। इस एक प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ ये स्लाइड डाली हुई है, यहाँ से इसको कॉपी किया और इसको मैं अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। और पेस्ट करते हुए आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि वो जहाँ से आई है उसका फॉर्मेट उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। हम देख सकते हैं कि जब उसने फॉर्मेट कॉपी किया तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया, इसके ऊपर ये बार सी आ गई है जो कि हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको मैन्युअली रिमूव कर देते हैं। और यूँ हमने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन बना ली है। हम देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की हैं वो भी आपको इसके अंदर नज़र आ रही हैं, जो मैं आपको कुछ करके दिखा रही थी। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स वीडियो के अंदर डालने के लिए हमेशा उनको स्टार्ट ऑटोमेटिकली और प्ले फुल स्क्रीन हुआ हुआ होना चाहिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इंसर्ट में जाके यहाँ पर जाके स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन होता है और उसके बाद वो आपको ये कंट्रोल पैनल देता है जिसके ऊपर आप पॉज कर सकते हैं, एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं।